हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? बिटू सिन्हा ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज हम दाढ़ी कटवा लिए हैं और कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। और ये मेरा बाल है ना, पूरा ऐसा है, ऐसा नहीं है। सिमा बोल रही थी कि आप दाढ़ी कटवा लीजिए, तो कटवा लिए हैं। इतना दिन से था तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बोले कटवा लीजिए। और आज बाहर शूट, मतलब बाहर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं इधर जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो सीमा आज कुछ बनाने वाली है, जा रही हूँ अभी, आलू का पापड़ बनाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। क्योंकि होली आने वाला है, तो होली स्पेशल के लिए सीमा आलू का पापड़ बनाएंगे। सीमा होली के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी पापड़। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने ब्लॉग पे और चलिए हम लोग चलते हैं अपना रूम में। तो चले सीमा। हाँ। चलो। और देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग अपना रूम में आ चुके हैं और सीमा बनाएगी आलू के पापड़। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आलू ले लिए हैं इतना सारा, उबाल करके रखे हैं, पहले से हम उबाल करके रखे हैं। और हम अभी इसे घिसेंगे, इसको घिस लेंगे, इस पे घिसेंगे तो थोड़ा मुलायम, मतलब गुलटी जो होता है वो नहीं पड़ेगा आलू में, तो घिसने से पतला पतला रहेगा तो अच्छा पापड़ बनेगा। तो नीचे से घिस लेते हैं पूरा और सब मिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं, तब तक कि आप लोग बनेंगे। चलिए हम ये वाला, मेरे पास तो यही छोटा वाला, तो इसी में हम कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, ऐसे में पूरा मेही मेही निकल जाएगा तो सही रहेगा। फिर हम बनाएंगे ये साबूदाना का पापड़, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। अभी फिलहाल इसको बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि होली आने वाले हैं, तो देखते हैं रूम के मतलब अगल बगल में सब पापड़ों को बनाते हैं, आलू का, साबूदाना का। सीमा आज बोली कि हम भी पापड़ बनाएंगे। और हम लोग हर साल बनाते हैं पापड़, पिछले बार ही हम बनाए थे आलू का पापड़, चावल का बनाए थे, इस बार दो ही का बनाएंगे बस। होली के लिए बना रहे, होली के स्पेशल, होली स्पेशल। ठीक है दोस्तों, सीमा देख सकते हैं घस रही है, ऐसे में पूरा मेही मेही निकल जाएगा, गुलती नहीं रहेगा, अच्छा रहे। तो पूरा घस के आप लोग से इसमें मिलती है ना सीमा? हाँ, तब तक क्या बन रही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं सारे को हम पूरा घस लिए हैं, पूरा कद्दूकस जो कर दो कर लिए हैं, पूरा एकदम मस्त हो गया है। इसमें हमको जो भी डालना है हम डाल रहे हैं, अभी इसको पहले साइड कर देते हैं, इसमें लगा हुआ है। चलिए इसमें अब डालते हैं, छोटा छोटा मिर्चा होता है सूखा वाला, देखिएगा वो हमने काट के रख लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको हम मिला देंगे। ये हो गया, उसके बाद हम जीरा डालेंगे इसमें। तो खोलिए, तो अरे खोलने रहा, कितना कस के लगाई है, हल्का लगाए, अरे खोलने रहा। इसमें हम थोड़ा जीरा डाल देंगे, उसके बाद हम अपना नमक डालेंगे पापड़ में, ज्यादा पापड़ में नमक नहीं डालते, छानने पे पता चलता है, इसके लिए हम थोड़ा ही डालेंगे। अब इसको हम अच्छा से मिला लेंगे, वो मिर्चाई काटा हुआ सूखा वाला और जीरा हम इसमें मिला दिए है और नमक। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेंगे, हाथ में लगा लेंगे, खोल लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं, जैसे हाथ में चिपकेगा नहीं, तो थोड़ा इसमें आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, गरम गरम है तभी ये सब मिक्स करिए आलू आलू में पापड़ बनाएंगे, पापड़ फुल स्पेशल। आप लोग क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में।
खाली पापड़ ही बनाएंगे इसमें होली में? अभी धीरे धीरे पापड़ बनाएंगे, होली आएगा तब ना होली बनाएंगे। ओह ऐसा है क्या? हमको लगा खाली पापड़ बनाएंगे। सिर्फ पापड़ बना रही होली के लिए, देखते हैं कैसा बना रही है, क्योंकि हम तो पहली बार देख रहे हैं। हाँ क्योंकि अब गांव में पता है ना कि पापड़ कैसे बनाते हैं, आलू को काट के उसके बाद पापड़ बनाते हैं। हाँ तो फिर हम ऐसे बनाते, लेकिन मेरे पास वो कद्दू का काशी होता है, बड़का करने वाला पापड़ बनाने वाला मैं नहीं था मेरे पास, तब हम ऐसे बनाने लगे। देखिए ये इसे वाला पापड़ बना रही है, पता नहीं कौन पापड़ बना रही है। कौन पापड़? पापड़ बनता है उसको। तो दोस्तों इसके बाद सब कुछ कर लिए, तो ये पन्नी है और ये पन्नी को है बिछाना, और इस पन्नी को बिछाते हैं यहाँ पर, इसमें बोले बिछाने के लिए। चलिए बिछा लेते हैं, देख सकते हैं इसमें बोले पन्नी बिछाने के लिए। तो बिछा दिए हैं, सीमा सीमा पन्नी बिछा दिए, थोड़ा सा तेल लेते हैं कटोरी में, अभी तेल का काम लेते हैं। थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, चलिए चलते। तो दोस्तों देखते हैं सीमा कैसे बनाती है पापड़। अभी तो पन्नी नहीं बिछाया है, अब ये इधर है। तो फ्रेंड हम इसका हल्का तेल लगा लेते हैं हाथ पे, और इसको हम गोल बना लेते हैं, हम जितना बनाएंगे उतना के छोटा छोटा। अच्छा पहले गोल बना कर रख लेते हैं, बनाने में आसानी रहेगा। हाँ देखिए इसमें गोल गोल बना रही है। कितना देर रहेगा इसमें बनाने में? टाइम लगेगा, बन जाएगा। तो 50-60 घंटा 100 घंटा 100 घंटा लगेगा। देखो तुमसे स्मार्ट लग रहे हैं। तो क्या करें, दाढ़ी कटवा दे, हीरोइनी बन जाएंगे तो हम स्मार्ट लगेंगे। तो कैसे हीरोइनी बनेगी सीमा? अच्छा कपड़ा पहनेंगे, केस बनवा लेंगे, यार सज जाएंगे तो सलाहदानी से कम लगेंगे। तुम आपको अच्छा कपड़ा नहीं है, मतलब अभी जो नॉर्मल पहनते हैं हमेशा वही पहने हैं ना। ऐसा है क्या? ना पहन लेंगे तो। ठीक है दोस्तों इसको अच्छा कपड़ा किन लेते हैं। अच्छा कपड़ा कौन होता है सीमा? अच्छा डिजाइनिंग। अच्छा अच्छा डिजाइनिंग कपड़ा इसको किन लेंगे। चलो ठीक है बनाओगे। तो फ्रेंड देखिए इतना सारा हम लिया कर लिए हैं, और हम इतना बना लेंगे पापड़, उसके बाद हम फिर और लिया करेंगे फिर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा तेल लगा दिए हैं, कड़क वाला पन्नी है, और हमने इसमें तेल लगाएंगे हल्का, ऐसे करके यहाँ पे रख देंगे, और इसको ऐसे करके प्लेट से छिपा से कुछ भी से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे का हल्का हाथों से दबा दीजिए, और देखिए कितना मस्त पापड़ बना है। अच्छा बना है कि नहीं बताइए? तो दोस्तों आलू का पापड़ बना रहे हैं। आप पतरा करना चाहेंगे तो आप और लगा दें दोस्तों, लेकिन मस्त बना रही है। तो सोचो कैसे बनाएंगे, लेकिन अच्छा बनाएंगे। बना कि नहीं मस्त? ऐसे करके हम उतार देंगे। ओहो मस्त बनाए रे सीमा, तो मस्त बनाएंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा है। देखे चलिए ऐसे करके हम बना लेंगे, ऐसे दूरी दूरी कर इसको भी हम ऐसे करके बनाएंगे, हल्के हाथों से दबा देंगे, मस्त लगता है करने के बाद। पिछली बार बनाए थे, कहाँ थे आप ऐसे बोल रहे हूँ, खाए थे ना? नहीं अरे खाए थे। हाँ आप नहीं थे, काम पे थे ना, इसलिए आपको पता नहीं। देखिए अगर आपको पतला चाहिए तो आप ऐसे करके थोड़ा और बड़ा भी कर सकते, गोल सेट ले सकते हैं, हल्के हाथों से उतार दीजिए। देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसे, ऐसे हम अलग अलग करके हम सारे पापड़ बना लेंगे। दोस्तों थोड़ा हम भी हेल्प करा देते हैं, आप पूरा पापड़ बना के आप लोग से मिलते हैं।
कितना सारा पापड़ बनाया देखिए, बड़ा छोटा दुर्गम की बनाए, जैसा मन करेगा वैसा खाएंगे साथ साथ। देखिए अब थोड़ा सा बचा, थोड़ा ही बचा है, बना देगी आलू का पापड़। अभी इसको रौदा में सुखाएंगे, अभी तो हम फैन के नीचे रखे हैं, ध्यान रखेंगे धूप में और अच्छा बनेगा, क्योंकि वीडियो बन रहा है नाइट में। बस समझिए, कोई दिक्कत नहीं, नाइट में दिन में कभी भी बना सकते हैं, तो आराम से बना रहे हैं। और आप लोग पता नहीं, हम लोग पहचानते होंगे कि नहीं, क्योंकि हम बाल कटवा लिए इसके लिए, बाल नहीं दाढ़ी। हाँ मतलब दाढ़ी, अरे बाल भी कटवाए ना थोड़ा सा। मेरा पापड़ बन के रेडी हो गया है, मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं पूरा पापड़ हम बना के रेडी कर लिए, कितना सारा है दिखाइए अच्छा से, देखिए। तो फ्रेंड मेरा पापड़ कैसा बना है, मेरा पापड़ कैसा बना है कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना तरफ से तो अच्छा ही बनाए, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। तो एक छोटा वीडियो था जो इसमें होल स्पेशल पापड़ बना रही है, ठीक है, इस वीडियो में फिर एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट शेयर करें, बाय।